बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। बच्चों हिस्ट्री आप मैथमेटिक्स गणित का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हमने पूर्व की क्लास तक 1.6 प्रश्न दाखिल कर लिया है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.7। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.7। 1.7 में लिखा हुआ है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से मुखाग्र उत्तर दीजिए। इसको आपको मौखिक देना है बच्चों। चलिए फिर भी मौखिक देने से पहले मैं एक सवाल आपको बता दूं जिससे आप मौखिक इसको दे सकें। बहुत सरल है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है 15 का वर्ग। ये दिख रहा है बच्चों 15 का वर्ग। 15 के वर्ग में दो अंक है 1 और 5। तो हमेशा याद रखेंगे जो दहाई अंक है 1, जैसे 15 है, इसमें दहाई अंक कितना है 15 का वर्ग को हम इस तरह से लिखेंगे 15 गुणित 15। अब 15 गुणित 15 जब लिखेंगे ये तो दहाई में 1 है, 1 से 1 ज़्यादा अर्थात हो जाएगा वो 2। 1 से 1 ज़्यादा कितना हो गया 2 हो गया। अब इकाई में क्या है बच्चों 5 और 5, तो 5 पंचे सीधा सीधा लिख दीजिए आप 25, 5 पंचे 25। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा उत्तर। बाकी को भी आप फटाफट बनाइए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं 25 का वर्ग। 25 में 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25 और ये तो हो गया 5 पंचे 25 उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग 2 से आगे 3 होता है, 2 3 6, 625। 35 वर्ग में 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 3 के आगे 4, 3 4 12, 1225 इसका आंसर आ जाएगा। 45 वर्ग में 5 पंचे 25, 4 के बाद 5 आता है, 4 पंचे 20, ये 45 का वर्ग हो जाएगा। 55 का वर्ग हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 के बाद 6, 5 छक्का 30, 3025 हो जाएगा। 75 का वर्ग में 5 पंचे 25, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 56, ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ कोई हासिल देने की आवश्यकता नहीं है। 85 के वर्ग में 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72, 72 25 इसका आंसर हो जाएगा। 95 के वर्ग में 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों, 9 के बाद 10 आता है, 9 10 90, 9025 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 105 में 5 पंचे 25 और 10 के बाद 11 आता है, 10 11 110, 110 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दिया हुआ है 115, कितना दिया हुआ है लास्ट में 115 दिया हुआ है। 115 में 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 11 के बाद 12 आता है, तो 12 में 11 कितना होता है, 12 में 11 आप गुणा कर दीजिए, 12 में 11 होता है 132, ये इस तरह से। तो 13 2 2 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मुखाग्र रूप से आंसर दे सकते हैं, मौखिक आंसर दे सकते हैं। तो ये तो था बच्चों प्रश्नवली 1.7 और उनके सवाल जिसको आपको मौखिक उत्तर देना था, मुखाग्र उत्तर देना था। चलते हैं अगले प्रश्नवली की ओर। प्रश्नावली 1.8 है, यहाँ इस्तेमाल करना है आपको ए धन बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² इस फार्मूले का आपको प्रयोग करना है और इस फार्मूले का प्रयोग करके आपको हल करना है, जिसमें 34 का वर्ग दिया है बच्चों, 19 का वर्ग दिया हुआ है, 54 का वर्ग दिया हुआ है, 64 का वर्ग दिया हुआ है और 92 का वर्ग दिया हुआ है। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, पहला सवाल 34 का वर्ग 34 स्क्वायर इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला सवाल 34 का वर्ग, यहाँ हमको जो सूत्र है वो प्रयोग करना है। सूत्र एक बार और लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र है बच्चों, ए स्क्वेयर प्लस 2ab + b² इस सूत्र का प्रयोग करके हमको हल करना है। ये सूत्र है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है बच्चों प्रश्न में 34 का वर्ग, ये इस तरह से पहला सवाल दिया है 34 स्क्वायर 34 का वर्ग। बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पर 3 भाग है, ए स्क्वायर 2ab और b², तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ए स्क्वायर पहला भाग हो गया, 2ab दूसरा भाग हो गया और बी स्क्वायर आपका तीसरा भाग हो गया, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं। संख्या को भी हम उसी प्रकार लिखेंगे, देखेंगे समझेंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें ए और बी दो संख्याएँ हैं, अर्थात पहली संख्या 3 को हम ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या 4 को हम बी मान लेते हैं। ए बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, यहाँ पर 3, बी बराबर मान लेंगे 4। तो चलिए बी से शुरुआत करेंगे, इकाई की ओर से चलेंगे हल करते हुए। बी स्क्वायर अर्थात 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 4 का वर्ग हो जाता है 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 16, 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 2ab, तो 2a में हमने 3 माना, b में हमने माना 4, अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 3 12, 12 2 24, 24 का 4 हासिल 2 यहाँ लिख लीजिए आप। अब यहाँ पर एक वर्ग अर्थात 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, ये इस तरह से 9। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर 6 आया था, यहाँ पर 4 और 1
ये चार आया था और हासिल एक था बच्चों, चार और कितना हो गया पाँच हो गया। अब यहाँ पर नौ और दो को हासिल में जोड़ दीजिए, नौ और दो कितना हो गया ग्यारह। इस तरह से इसको मिला कर लिख देंगे, एक एक पाँच छः 1156, ये हमको प्राप्त हो जाएगा 34 का वर्ग, 34 का वर्ग। तो इस तरह से आप इसका हल मालूम कर सकते हैं। चलिए कि इसमें एक और सवाल बता दें जिससे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न है यहाँ पर, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 19 का वर्ग, ये ऐसा दिया हुआ है। सूत्र हमको वही इस्तेमाल करना है जैसा कि आपको बताया गया था, ए स्क्वेयर टू ए बी और बी स्क्वेयर। यहाँ पर ए को हम एक मान लेते हैं बच्चों, बी को हम मान लेते हैं नौ। यहाँ ए बराबर एक मान लेते हैं दहाई का और बी बराबर नौ इकाई का, ये इस तरह से हम मान लेते हैं। अब ये तीन भाग हमारा है, ये इस तरह से इस रूप में पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न को। बी स्क्वेयर अर्थात नौ का वर्ग हो जाएगा, इस तरह से लिख लेते हैं। दो ए में एक है, बी में नौ है, इसको हम लिख लेंगे एक का वर्ग, ये इस तरह से पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए। अब हम चलते हैं नौनिया इक्यासी, ध्यान समझिएगा बच्चों, नौनिया इक्यासी, इक्यासी का एक हासिल आठ, हासिल आठ। नौ एकम नौ, नौ दुनिया अठारह, अठारह का आठ हासिल एक, एक का वर्ग एक ही होगा, यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, एक है तो एक ही लिखिए, आठ और आठ सोलह, सोलह का छः, आठ और आठ सोलह। अब यहाँ पर सोलह का छः हो गया, फिर हासिल देना पड़ेगा आपको, एक दो और ये तीन, यहाँ पर हो जाएगा तीन। कुल मिलाकर हमको प्राप्त हो गया 361, कितना प्राप्त हो गया 361, जो 19 का वर्ग होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे और आपको क्लियर हो जाए। प्रश्न चौथा इसमें देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है 64 का वर्ग, 64 स्क्वेयर। अब इसको हम उसी प्रकार लिख लेंगे जैसा कि हम सूत्र लिखते थे, ए स्क्वेयर टू ए बी और बी स्क्वेयर, जैसे हम सूत्र लिखते थे बच्चों वैसे ही हम इसको लिख लेंगे। ध्यान समझिएगा, इसी रूप में आपको बनाना है, ये तो है हमारा सूत्र। अब हम ए को छः मान लेते हैं और बी को हम क्या मान लेते हैं चार मान लेते हैं, तो चार का वर्ग यहाँ हो जाएगा बच्चों, चार का वर्ग, यहाँ दो ए बी, दो गुणे छः गुणे चार, और यहाँ ए का स्क्वायर अर्थात छः का वर्ग। इस तरह से आप पहले लिख लीजिए प्रश्न को सूत्र के रूप में, चार चौका सोलह हासिल एक यहाँ पर दे दीजिए आप, चार छक्का चौबीस, चौबीस दूनी अड़तालीस, आठ हासिल यहाँ आप दे दीजिए, यहाँ अड़तालीस और 49 भी हमने जोड़ा नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा ना, चार छक्के 24 दूनी 48 का आठ हासिल हम यहाँ दे दिए चार, अभी हासिल जोड़े नहीं है, छः छक्के हो जाएगा 36। अब ये हो गया हमारा गुणा, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं, सबको क्या कर देंगे अब जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 8 और 1 जोड़ दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पर 36 और यहाँ पर 4 हासिल था, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, ये इस तरह से। अब इसको मिलाकर लिख दीजिए, मिलाकर लिख दीजिए, चार शून्य नौ छः, तो चार शून्य जो नौ छः प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत सरल प्रश्न वाले बच्चों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसमें से बाकी जो बच्चे प्रश्न हैं उसको आपको स्वतः हल करना है, स्वयं हल करना है। ये तो था प्रश्न 1.8। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल में दिया आपने बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रश्नावली में नए सूत्र के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।